बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे आप लोग ये बताइए, कल आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था जिसमें आपने ओरिफ्लेम की वीडियो शेयर करनी थी, ट्रेनिंग आप लोगों ने कर ली थी, उसके हवाले से आपने थोड़ा सा खुलासा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखना था। हम स्किन को किस तरीके से हेल्दी कर सकते हैं, 20% हमारे जीन्स के अंदर होता है और उसके बाद जो 80% होता है वो एनवायरमेंट और लाइफस्टाइल होता है। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर में तो एज और जेंडर हो गया, जेनेटिकली मामला हो गया। फिर एनवायरमेंट के अंदर हम देखें तो सूरज, क्लाइमेट, जैसा मौसम चल रहा है, पोल्यूशन है, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स आते हैं जिनमें हमारी रिजा आती है, एक्सरसाइज आती है, भरपूर नींद आती है, इमोशंस आते हैं और उसके बाद ब्यूटी रूटीन आती है। अब हमने ये देखना है कि हम किन किन चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, स्पेशली स्किन केयर के हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स किसी को रिकमेंड करते हैं तो सिर्फ हम इन कितनी चीजें मैंने गिनवाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से सिर्फ हम एक चीज अगले को दे रहे होते हैं और उसके बाद हम ये उसको गारंटी देते हैं कि चीजें आपको 100% रिजल्ट आए। आप ये देखेंगे जब हम 10% चीज दे रहे हैं तो 100% रिजल्ट तो उस वक्त नहीं आएगा ना, तो हमें एटलीस्ट और उसके साथ साथ की चीजें भी रिकमेंड करनी है कि जब आप ओरिफ्लेम की ब्यूटी रूटीन अपनाएंगे तो आपकी स्किन अच्छी होगी, लेकिन साथ साथ जब आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे, यानी आप अपने आप को सूरज से बचाएंगे, मौसम की गर्मी सर्दी इन चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, पोल्यूशन से बचेंगे, न्यूट्रिशन है, अपनी रजाई जरूरियात है उनको भरपूर तरीके से लेंगे, जो चीजें नहीं खानी चाहिए वो नहीं खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, नींद प्रॉपर लेंगे। अब अगर कोई कहता है कि मेरी आंखों में हल्के हैं और उसका जो बहुत बड़ी वजह होती है, एक तो स्क्रीन टाइम होता है, दूसरा होता है कम सोना, ठीक है, यानी मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बहुत करीब से बैठ के देख रहे हैं, उस वजह से भी नजर कमजोरी की वजह से भी हल्के आ रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आ रहे होते हैं वो कम सोने की वजह से, नींद की कमी की वजह से आ रहे होते हैं, या बेवक्त सोना, रात को जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं। इमोशंस, हर वक्त गुस्सा, माथे पे शिकने रहना या फिर परेशान रहना या उदास रहना, ये भी इमोशंस आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं और उसके बाद फिर ब्यूटी रूटीन भी आपके साथ साथ इन सारी चीजों को बेहतर कर रही है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी होंगी और इन सब चीजों के ऊपर आप तवज्जो भी करेंगे। ओके जी, अब हम देखते हैं कि हेल्दी स्किन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है कि वो अनहेल्दी हो जाती है। सेल्स होते हैं हमारी स्किन के अंदर, तो सलिए होते हैं, तो इनका एक साइकिल होता है कि सेल्स मुस्तकिल डेड हो रहे होते हैं, लाखों सेल्स डेड हो रहे होते हैं और फिर लाखों सेल नए बन रहे होते हैं। जो सेल्स डेड हो गए उनकी डेड बॉडी कहाँ जाएगी, सही है ना, उन सेल्स की जो डेड बॉडी है वो सरफेस पे आ जाएगी, जो डेड स्किन कहलाएगी। उसकी वजह क्या होगा कि हमारी सरफेस के ऊपर एक ट्रैफिक जाम की कैफियत हो जाएगी। ट्रैफिक जाम कहाँ से आ गया भाई, ट्रैफिक जाम इस तरीके से आ जाएगा कि आपकी जो स्किन है उसको एयर भी चाहिए, उसको मॉइस्चर भी चाहिए, तब जाके वो नशोनुमा पाएगी। लेकिन अगर ट्रैफिक जाम हो जाएगा तो फिर वो हमारी स्किन अनहेल्दी हो जाएगी, स्किन के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा। जब स्किन के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा तो फिर स्किन डैमेज हो जाएगी। स्किन जब डैमेज हो जाएगी तो स्किन के अंदर कुछ गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, खला आ जाएगी, और उन गैप से क्या होगा कि वो मॉइस्चर बैरियर जो था वो टूट जाएगा। वो जो मॉइस्चर बैरियर यानी जो हमारी स्किन के अंदर नमी रहती है जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से हमारी स्किन जो है वो गैप नहीं होगी, स्मूथ होगी स्किन, तो हमारे अंदर जो मॉइस्चर का लेवल है वो मेंटेन रहेगा, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके कम होगा। लेकिन अगर उसमें गैप आ जाएगा टाइम जाने की वजह से तो हमारे फौरन तौर पर जो मॉइस्चर है वो निकल के बाहर चला जाएगा और स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। और उसके अलावा जो बाहर ऐसी चीजें हैं जो हमारी स्किन के लिए खतरनाक हैं वो हमारी स्किन के अंदर दाखिल हो जाएंगे, इसीलिए हमें अपनी स्किन के ऊपर डेड सेल को रिमूव करना है और हमें स्ट्रेसफुल स्किन नहीं बनाना ताकि स्किन हेल्दी रहे। फिर उसके बाद हम आते हैं स्किन के अंदर वाले हिस्से पे। स्किन के अंदर जो है कोलेजन और इलास्टिन होता है। कोलेजन जो है हमारी स्किन को बाउंसी रखता है और इलास्टिन जो है वो लचकदार रखता है। जब हमारी स्किन स्ट्रेस लेती है, डैमेज होती है, डेड स्किन नहीं हटती है, तो फिर इसका इम्पैक्ट हमारी स्किन के अंदर की तरफ आना शुरू होता है। जब अंदर की तरफ आता है तो जिस तरह हमारे मैट्रेस होते हैं ना, उसके अंदर से अगर स्प्रिंग खराब हो जाए कम्फर्टेबल नहीं लगता, सेमी तरीके से आपकी स्किन जब बीच में से डैमेज हो जाएगी, कहीं से इलास्टिन हट जाएगी लाइक स्प्रिंग, आपकी स्किन ढलक जाएगी, चाहे उसको हम रिंकल कह लें या फाइन लाइंस कह लें, तो वो हमारी स्किन के ऊपर नमदार होना शुरू हो जाएगा। इन सारी चीजों का इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर आता हो, ये इम्पैक्ट आता है बरसों में। इस इम्पैक्ट को आने में 10 से 15 साल लग रहे होते हैं और ये 10 से 15 साल हम अपने स्किन का ख्याल नहीं रखते तो फिर वो 35-40 साल की उम्र में एकदम से हमें 50 साल का बना देते हैं और उस वक्त फिर हम कहते हैं कि बस चलो ठीक है, आई एम हैप्पी विद इट और वी हैव टू लिव विद इट। तो ऐसा नहीं होता, हम बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल है, हम बहुत सारे लोगों के लिए खुशी है, हम बहुत सारे लोगों के लिए आइडियल है, हमें अपने लिए भी आइडियल होना है, हमें अपने भी ख्याल रखना है। और हम जब बात करते हैं होलिस्टिक तो हम एक मजमूई नुकता नजर पर देख रहे होते हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप को बेहतर करना है। अब हम बात करते हैं ओरिफ्लेम की, जो सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है और सबसे ज्यादा जल्दी जिसके रिजल्ट आते हैं और जो बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करती है, उस प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये ऐसी प्रोडक्ट है हमारी स्किन को यूजफुल करती है, यानी यंग लुकिंग करती है और हेल्दी लुकिंग करती है।
सकती है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, रूटीन हम किसे कहते हैं। जब हम प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं तो फिर हमें 7 गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है, और इसको साइंटिफिकली चेक किया गया है बेताहाशा वॉलंटियर्स के ऊपर, तो जिन्होंने कंप्लीट सेट यूज किए हैं उनके ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग, अपनी अपनी स्किन को साफ करना है। जब हमारी स्किन साफ होगी तो फिर वो चीजों को हमारी स्किन के अंदर जस्ट कर सकेगी। रिमेंबर, ट्रैफिक जाम हुआ है, ट्रैफिक जाम जब साफ होगा तो फिर हमारी स्किन के अंदर चीजें जानी होंगी वो जा पाए। फिर उसके बाद आई एरिया, आई एरिया वो होता है कि जो सबसे ज्यादा डेलिकेटेड होता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर हम आई एरिया पे भी फेस की क्रीम लगा लेंगे, हैंड क्रीम लगा लेंगे, तो वो सेंसिटिव एरिया में आपको इचिंग हो सकती है, जो अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि हमने हैंड क्रीम लगा दी थी मॉइस्चर के लिए या फेस क्रीम हमने पूरे फेस पे अप्लाई कर ली थी। तो हर किसी के साथ नहीं होता, 100 में से 10 लोगों के साथ ही प्रॉब्लम आ जाता होगा कि भाई हमारी आंखों में जलन होगी, तो भाई उसको आई एरिया पे अवॉइड करना है। हमारी हर फेस क्रीम पे मेंशन है कि अवॉइड आई एरिया, तो एहतियातन इसीलिए लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आई एरिया के लिए आई क्रीम, और वो बहुत मामूली से क्वांटिटी में आई एरिया पे लगती है, और वो भी आंखों से थोड़ा सा दूर करके, 2 से 3 सेंटीमीटर दूर करके, बाकी वो खुद जो स्किन है वो खुद ही ड्राई करेगी। सबसे पहले क्लींस कर लिया, फिर आई कर लिया, फिर उसके बाद बूस्ट। बूस्ट ही होता है ताकि जब वो स्किन के अंदर जर्ब होना शुरू हो तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से उसके नतज हमारे साथ में आ चुके। फिर उसके बाद होता है स्टेप 4, डे नाइट क्रीम, जिससे मॉइस्चर होता है, हमारी स्किन रिप्लेनिश होती है, यानी दोबारा से उसके अंदर जो भी टूट फूट के शिकार हो चुकी होती है उसकी मरम्मत होती है, और फिर उसके बाद उसको मजीद टूटने फूटने से प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें यूज होती है। और हर एज के हिसाब से आता है, 25 साल के लिए हमारे पास ब्राइट सब्लाइम मौजूद है, 30 साल के लिए कोलेजन मौजूद है, और 40 साल के लिए हमारे पास अल्टीमेट लिफ्ट मौजूद है। कोलेजन से 49% तक की जो रिंकल्स हैं इंस्टेंटली वो रिड्यूस हो जाते हैं, और 40+ की एजेस होती हैं उनकी स्किन में से बाउंस खत्म हो जाता है, तो वो अल्टीमेट लिफ्ट यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा जिनको डार्क स्पॉट्स का या डिस्कलरेशन का मसला होता है तो वो नोवेज की ब्राइट सब्लाइम यूज कर रहे होते हैं, 25+ के लिए रिकमेंडेड है। और इसके बाद जेंट्स के लिए यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जेंट्स की जो स्किन होती है वो 30% थिकर होती है खवातीन से, जिसकी वजह से कोलेजन भी ज्यादा होता है, इलास्टिन भी ज्यादा होती है, रिंकल भी बाद में अपीयर होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इंस्टेंटली स्किन के अंदर एनर्जी फील होती है, यानी जो स्ट्रेस होता है वो स्किन का निकल जाता है। जब हम नोवेज की स्टोरी की बात करते हैं, इसके 100% रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, और ओरिफ्लेम जो है वो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी लेता है। जो की स्टोरी आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि जो टारगेटेड सोल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है उसको टारगेट करके उसको सॉल्व करता है, साइंटिफिकली और क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स हैं। और जो टेक्नोलॉजी ओरिफ्लेम के पास है वो किसी और के पास है ही नहीं, क्योंकि ओरिफ्लेम के पास टेक्नोलॉजी का पेटेंट मौजूद है, ओरिफ्लेम के अलावा कोई और ये टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। और भी कहता नहीं हम तो कुछ और यूज करते हैं, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो रिंकल को दूर करने की प्रोडक्ट यूज हुई होंगी वो उनकी गारंटी नहीं कि वो ला लें आराम में। लेकिन हमारे पास जो चीज हुई है वो प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट्स यूज हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कोलेजन की बूस्टिंग है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। सिर्फ 4 स्टेप की रूटीन है और 7 गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आती है। स्किन के सेट का फायदा ये होता है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं सिर्फ हमें क्लेंजर दे दें या सिर्फ क्रीम दे दें या फिर नाइट क्रीम दे दें, आई क्रीम, तो कंप्लीट सेट का बेनिफिट हमें पता होना चाहिए। अगर आप 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए डिफरेंट टाइप के सेट हैं 12,000-13,000 रुपए के लिए, तो जो आप पैसे दे रहे हैं उससे आपको वैल्यू तो मिले, आपने पैसे जाया तो नहीं कर रहे ना, आप अपनी स्किन के लिए कॉन्शियस हैं। जब आप वो बाय करेंगे तो आपको उसको रिजल्ट मिलेगा, जब वो रिजल्ट मिलेगा तो फिर आपको जो पॉसिबल प्राइस है उसकी प्रोडक्ट की वो आपको फिर सेटिस्फाई करेगी। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि अगर एक प्रोडक्ट का सेट है वो 9,000 रुपए का है और वो आपके पास आराम से तकरीबन कोई 6 से 8 महीने चल जाता है, तो 1,200 रुपए पर मंथ आपका जो है वो अपनी स्किन के लिए एक्सपेंस आता है। जबकि हम गैर मेरी अगर प्रोडक्ट भी देखते हैं तो उसमें भी 1,500 से 2,000 रुपए हमारे महीने के खर्च हो ही जाते। क्यों ना ऐसी प्रोडक्ट यूज की जाए जो वैल्यू फॉर मनी हो और 100% गारंटी भी आपको दे रही है। और चीजों को एक्सप्लोर करते हैं जो मजीद रेंजेस हमारे पास मौजूद है। ऑप्टिमल की रेंज मौजूद है जो स्पेशलिस्ट है केयर के हवाले से, जिसमें परफॉर्मेंस जो है वो कस्टमर की टेस्टिंग के हिसाब से देखेंगे कि भाई हाँ वाकई में इनकी परफॉर्मेंस पर जो रिजल्ट है वो आया हुआ है। और कस्टमर्स जो है कंज्यूमर्स हैं, यानी जिनके ऊपर इस्तेमाल हुआ है वो कंज्यूमर हैं या फिर हम उनको वॉलंटियर्स हैं, उनके ऊपर प्रॉपर रिजल्ट्स आए। इसके अंदर 3 रेंजेस हैं, इसके अंदर हाइड्रेटिंग है, ब्राइटनिंग है और एज डिवाइड। ओके जी, हम बात करते हैं लव नेचर की। जो प्रोडक्ट है वो नेचर से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्कैंडिनेवियन इंग्रेडिएंट्स हैं नेटिवली, और जो भी इसके अंदर फॉर्मुलेशन है उसमें इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है कि वो प्लैनेट की रिस्पेक्ट के लिए, यानी ऐसे इंग्रेडिएंट जो लिए जाते हैं और जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंग्रेडिएंट यकीनन हम कहाँ से ले रहे हैं, ओरिफ्लेम कहाँ से ले रहा है, नेचर से ले रहा है, चाहे वो दरख्त के जरिए, पौधों के जरिए, तो वही पौधे गारंटी ओरिफ्लेम जो वो मजीद उगाएगा, मजीद रिसोर्सेज जो है उनकी पैदा करने में सपोर्ट। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं मार्केट में पैराबीन फॉर्मुलेशन के स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। पैराबीन जो है वो
इंसानी स्किन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और खवातीन के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि वो इनफर्टिलिटी का बाइस बनता है और कैंसर का सबब भी बनता है। और ऑरिक्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं और स्पेशली जो लमेचर की हैं, इसके अंदर जो है वो पैराबिन नहीं है, पैराबिन फ्री है और ये ऑर्गेनिकली सोर्स्ड की गई एक्सट्रैक्ट से प्रोडक्ट बनाई गई। प्योर स्किन की रेंज इफेक्टिव है स्पेशली उन लोगों के लिए जो 15 से 20 साल के लड़के लड़कियां हैं और उनके स्किन के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनको पिंपल, एक्ने, इन चीजों का प्रॉब्लम होता है। तो इसके अंदर डिटेक्ट टेक्नोलॉजी है और पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट्स हैं। खास बात यह है कि जो डायरेक्टली टारगेट करते हैं पिंपल्स को, एक्ने को और उनके बनने की सबब की चीजें होती है उनको, पोमोग्रेनेट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, इफेक्टिव है और अनकॉम्प्लिकेटेड है, यानी इनमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने फेस वॉश किया और उसके बाद टोनर अप्लाई कर लिया, सिंपल सा सोल्यूशन है जो आपने स्किन, यंगर स्किन को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड है और सुपर फ्रूट एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके पिंपल्स के जो स्पॉट्स होते हैं उनको भी रिड्यूस कर रहे होते हैं। क्या आपको पता है कि 95% जो स्किन में एजिंग आती है, यानी उम्र के जो बढ़ने के असरात होते हैं, वो सूरज की शुआओं की वजह से होते हैं। और जो सूरज की शुआएं हैं वो साये के अंदर भी, रात की बात नहीं कर रहा मैं, साये के अंदर भी, यानी दिन के टाइम में अगर आप साये में भी हैं तब भी सूरज की शुआएं यानी यूवी रेज़ जो है वो इफेक्ट कर रही होती है और वो पेनिट्रेट करती है इवन इन अ क्लाउडी स्काई। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ है ये ऐसे नहीं है कि जो अगर हमें नजर नहीं आएंगी तो वो नहीं असर करती, जैसे एक्सरे है, एक्सरे भी तो नजर नहीं आता लेकिन वो तो हड्डियों का ढांचा भी निकाल के आपके सामने दिखा देता है। तो सेम इसी तरीके से जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनका भी कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है कि वो जब सूरज सामने है तो वो रेजेस बिखरती रहती हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आती और वो डायरेक्टली हमारे स्किन को डैमेज करना शुरू कर देती है। इसके लिए हमें जरूरत होती है कि हम अपनी स्किन को उन रेडिएशन से बचाएं और उसके लिए हमारे पास सन 360 मौजूद है, जिसमें SPF 50, SPF 30 मौजूद है और जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो यूवी रेजेस से बच जाती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, एक बड़ी स्किन के ऊपर लेयर आ जाती है जिसकी वजह से, और लेयर भी ऐसी नहीं कि जो हमें नजर आए, जज्ब हो जाती है, अडॉप्ट हो जाती है और उसके बाद फिर वो यूवी फिल्टर का काम करती है। स्किन में पसीना आ रहा होता है ना, उसको पसीना आना भी कम हो जाता है और वाटर रेजिस्टेंस भी होती है। विटामिन ई मौजूद है और एंटी पोल्यूशन प्रोटेक्शन मौजूद है। जिन लोगों का बाहर आना जाना होता है पोल्यूटेड एरियाज में, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है कि उनकी स्किन को बेहतर करेगा। स्वीडिश इंग्रेडिएंट का ब्लेंड है, वो बहुत जबरदस्त है, जिसके अंदर क्लाउड बेरी और नॉर्डिक कॉटन एक्सेट्स है। इनको आप मजीद डिटेल में समझने के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं, मजीद रिसर्च भी कर सकते हैं ताकि आपको और ज्यादा इसके अंदर बिलीव होना चाहिए। डर्मेटोलॉजी के लिए और क्लिनिक के लिए टेस्टेड प्रोडक्ट्स। करना यह है कि आपके साथ एक एक्टिविटी है आज की, जिस तरह मैंने कल की ट्रेनिंग में भी आपको एक्टिविटी दी थी। एक्टिविटी है कि आपने अपनी स्किन केयर की जो रूटीन की स्टोरी है ना, वो आपने शेयर करनी है। कहाँ शेयर करनी है? सोशल मीडिया पे शेयर करनी है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे शेयर करनी है कि आप जो स्किन केयर रूटीन यूज करते हैं तो उससे आपको क्या नतज मिले और आपको बिल्कुल जेनुअन रिजल्ट की जो आपको फीडबैक देना है वो भी आपने देना है, क्योंकि ट्रूथ इज इनफ, सच काफी है। चाहे आपको कम रिजल्ट मिला है, चाहे अच्छा रिजल्ट मिला है, जैसा मिला है आप सच सच बताएं, क्योंकि वी आर नॉट टाइप ऑफ पीपल स्नेक ऑयल सेलमैन, यानी चिकनी चपड़ी बातें करके लोगों को फंसाने में कोई काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सादी सी बात, जो आपने शेयर करनी है वो आप करें, वो काफी है। लोग आपके रिजल्ट आपके सामने आपके स्किन को भी देख के लगा सकते हैं। तो आज का एक्शन ये है कि आपने अपनी स्किन केयर स्टोरी सोशल मीडिया पे शेयर करनी है और जब भी स्किन केयर सेशन हो आपके टीम के अंदर, आपके एरिया के अंदर, तो आप अपनी कम्युनिटी को, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को बताएं नोवेज के हवाले से और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हवाले से जो जो लोग वो अपने स्किन के हवाले से चाहते हैं। इसके अलावा आप अपने आप को चैलेंज करें कि आप लाइव जाएं, आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल से लाइव आएं और आपकी जो भी स्किन केयर रूटीन है आपको बताएं, 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन जब ये एक्शन आप करना शुरू होंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आप कितना सेटिस्फाई हैं। आप ही डरते रहेंगे, आप ही झिझकते रहेंगे, देखें मैंने पूरी ट्रेनिंग दी है तो इसमें कोई टेंशन तो नहीं है, आपके मैं नजर आऊं या नहीं आऊं कोई मसला नहीं है। आप अपनी प्रोडक्ट सामने रखते हैं, आप प्रोडक्ट की पिक्चर खींच के आप अपनी स्टोरी सुना दें, कुछ ना कुछ तो करना शुरू करें ना, झिझक तो हटेगी, आपकी झिझक तो निकलेगी। आप लोगों से बात तो करें, बताएं तो सही अपने प्रोडक्ट की स्टोरी, किस तरह ये प्रोडक्ट रखी हुई है, जिस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट एक जगह पर रखें शेल्फ के ऊपर, अच्छी सी पिक्चर खींचे और आप बताएंगे भाई ये प्रोडक्ट है और ये मैंने यूज की थी, इसलिए मुझे रिजल्ट मिला और इसके अलावा ये प्रोडक्ट है जो आप ये मसले हल कर सकते हो, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों से मिलेगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा। थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने जो है वो आज ज्वाइन किया, चीजें समझी और आई होप कि आप सब लोग जो है वो आज की ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखे भी होंगे जो आगे चल के आपके काम भी आएगा और यकीनन आज ही से आपके काम आना शुरू हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।